आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आपके सामने आज बताने वाला हूँ कुछ अलग अलग जो वीडियो कॉल्स हमें लोग करते हैं और अलग अलग प्रेजेंटेशंस करते हैं, जिसमें कोई प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है, मतलब सिम्टम्स, कि जो एकदम डायग्नोसिस क्लियर रहता है, कुछ इसमें मिक्स रहता है और उनको इतना मिक्स पिक्चर रहता है कि समझ में नहीं आता। तो कुछ क्लियर पिक्चर है, कुछ मिक्स पिक्चर है, वो देखते हैं। कुछ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन होते हैं। अभी देखिए, ये एक 30 साल की लड़की है, उसको मालूम है कि मैं लड़की हूँ, खुद बोलती है कि मैं लड़की हूँ, मगर उसको लड़की से ही अट्रैक्शन होते रहता है। वो लड़की के साथ में जैसे पति पत्नी संबंध रखते हैं, वैसे एक लड़की के साथ में वो संबंध रखती है। दोनों बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलती जुलती है, मिलते रहती है, और घर के लोगों को किसको पता ही लगता नहीं, क्योंकि दो लड़कियां या दो दोस्त साथ में रहती है, खाती पीती है, पढ़ाई करती है, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है। मगर उसको उसमें उदास लगता है कि भाई मैं ऐसा कितने दिन तक जीऊं, मुझे तो ऑफिशियली बताना चाहिए। घर के लोग बहुत प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए और उसमें वो उनको बोल भी नहीं रही। दोनों भी लड़कियां अपने अपने माँ बाप को नहीं बोल रही है और फिर उसको जेंट्स में दिल ही नहीं लगता, मतलब किसी से बात करने की इच्छा लगती नहीं। उल्टा कोई लड़का या जेंट्स कोई सामने आता है तो उसको बहुत डर लगता है, एंग्जाइटी लगती है, उसके साथ में बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती और उसको लगता है कि अपन अभी खुद ने लड़का ही बनना चाहिए। और लड़का बनेंगे तो क्लियरली ओपनली लड़का बन के रहेंगे, क्योंकि मैं गलत इसमें आ गई, गलत सेक्स का मतलब ओरिएंटेशन मेरा हो गया, मैं लड़का ही रहती तो अच्छा रहता था। और अब वो चाहती है कि भाई मैंने पहले लड़का बनना चाहिए, आर्टिफिशियल पेनिस लगाना चाहिए, कुछ दवा लेंगी, लड़का बनेंगी, शादी करेंगी और अच्छे से जिएंगी। तो उसकी जो पार्टनर है उसको उसने पूछा तो बोले मैं तैयार हूँ, तू लड़का बन गई तभी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ में रहूँगी। तो वो तैयार है, तो ये अभी लड़का बनने की इसमें अभी वो खुद को टेस्ट अलग अलग करवा रही है। उसने मुझे भी कॉल किया कि क्या मैं ऐसा लड़का बन के रह सकती हूँ। मतलब ये आपकी मर्जी है वो, और मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सिर्फ इतना ही देखो कि भाई आपके घर वाले उसको अलाइन है क्या, उनको अच्छा लगता है क्या, उनकी तैयारी है क्या, वो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या, उनको उनको बता के उनके साथ में बातचीत करके सब ये करने का है। तो ये एक लड़की है। दूसरा है कि इनको एक 27 साल का लड़का है, उनको रिपीटेडली थॉट्स आते रहते हैं और रिपीटेडली थॉट्स आते हैं कि उसको लगता है कि मैं गे बन जाऊंगा क्या। हालांकि वो गे नहीं है, होमोसेक्सुअल नहीं है, समलिंगी नहीं है, मगर बचपन में एक बार ऐसा हुआ था कि एक दूसरे बच्चे ने उसके लिंग को चूस कर लिया था, मतलब चूसा था, सक किया था, और उसमें उसको भी मजा आया था। बाद में कभी उसने कभी किया नहीं, किसके साथ में कुछ हुआ नहीं, मगर अभी सडनली पिछले एक महीने से उसको लग रहा है कि मैं समलिंगी बन जाऊंगा क्या, और बन गया तो क्या होगा। और उसको बार 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 वो विचार आ रहे, उसका जीवन जीना कठिन हो गया, हैरान हो गया, उसको लगता है कि मैं अभी मर जाऊं तो अच्छा है, ये कैसा, ये संभव ही नहीं है, मगर ये विचार आ रहे कैसे है। और उसको लगता है कि मैंने जीना ही नहीं चाहिए, मतलब इतना डिप्रेशन उसको आ गया कि विचार कैसे क्या आ रहे भाई, बोले एक बार बचपन में किया था अभी ये विचार आ रहे, डरा हुआ इंसान है। ये दूसरा है। फिर तीसरा जो भी है उनका ये है कि ये काफ़ी एजेड है, मिडिल एज, अबू मिडिल एज है, और उनको लगता है कि अपना सिर बहुत भारी भारी है हुआ है और बदन में दर्द होता है, उनको डर लगता है और कुछ पुरानी याद आती है उनको, और उनको वो याद से फिर ऐसे धड़धड़ी होती है, डर लगता है, जान घबराती है, सोच आती रहती है, फिर पेट में एकदम ठंडा ठंडा लगता है, गैस काफ़ी सारी बनती रहती है और उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उनको ऐसा भी लगता है कि मुझे सांप आके काट लेगा, हालांकि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। नींद कम आती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती रहती है और उनको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, फतरी थी, उसका ऑपरेशन है हुआ है। तंबाकू खाते रहते हैं, ये कम से कम 2-3 बार रोज तंबाकू खाते हैं, और पिछले 4 महीने से उन्हें शराब पीना बंद कर दिया, अदरवाइज वो पिछले 7-8 साल से शराब पी रहे थे, एडिक्ट थे, मगर अचानक अभी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये एक रोस्ता है। और दूसरा अलग जो केस है वो है कि उनको पेट का प्रॉब्लम है, पेट में उनको लेफ्ट साइड में दर्द करता है और उनको समझ में नहीं आता कि ये दर्द क्यों हो रहा है। सब टेस्ट कर लिया, सब स्कोपीज हो गई, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, यूएसजी एब्डोमेन, सीटी स्कैन सब हो चुका है, ब्लड टेस्ट हुई है, मगर उसमें कुछ भी मिलता नहीं है। उनको पेट में ऐसी गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसी आवाज़ आती रहती है
उनको संडास जो होती लैट्रिन वो ऐसी चिकट हो जाती है, और कितने भी दवा लिया उन्होंने इन्फेक्शन के लिए, अमीबियासिस के लिए और फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी फर्क होता नहीं, घबराहट होती रहती है, उदासीनता लगती है, और उनको दिन भर में कम से कम 4-5 बार संडास को जाना पड़ता है, गैस होते रहता है, उनको लगता है कि अपना वजन कम हो रहा है, और उन्होंने फिशर भी उनको हुआ था और उसका भी उन्होंने इलाज किया है। तो ये उनका ऐसा मिक्स पिक्चर है। ये नेक्स्ट जो है ये अभी 20 साल का लड़का है, और उन्होंने, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं जितना चाहिए उतना मेल नहीं हूँ, तो वो कोई डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला ठीक है आप टेस्टोस्टेरोन का एक इंजेक्शन ले लो, क्या नुकसान है, तो उन्होंने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लिया। अब वो इंजेक्शन लेने के बाद में उनको डर पैदा हुआ कि मैंने जो इंजेक्शन लिया वो ठीक नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना, और कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लिया, तो उनको अभी विचार आते हैं, अभी उनको कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं, मगर बार बार विचार आते कि मैंने वो इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए था। अभी उनको ये भी विचार आता है कि मैं क्या कभी लेडीज़ की सर की हरकतें करता हूँ, लेडीज़ का बिहेवियर करता हूँ, ऐसा तो नहीं, नहीं मैंने टेस्टोस्टेरोन लिया हुआ है अब तो वैसा करूँगा ही नहीं, या उनको ऐसा लगता है कि मैं, मेरा चेहरा लेडीज़ के जैसा है क्या, और एक्चुअली नहीं है, मुझे मालूम है कि नहीं है, और टेस्टोस्टेरोन लिया तभी तो डेफिनेटली होऊंगा नहीं, मतलब ऐसे विचार उनको आते रहते हैं। उनकी लिंग में कठोरता आती है, इरेक्शन प्रॉपर है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर उनको बार बार ये लगता है कि भाई मैं स्त्री का जैसा लगता हूँ क्या, लोग मेरे को स्त्री जैसा समझते हैं क्या, वैसा है तो नहीं है, ऐसे विचार आते हैं। तो ये एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ऑब्सेशन है कि बार बार वही भी विचार आना, जब रियलिटी वैसे कुछ भी है नहीं। तो ये अलग अलग जो मैंने आपको बताया, ये अनेक अलग अलग बीमारियाँ सब मिक्स आते रहते हैं, एक ही है सभी इसमें कॉमन, कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो भी ऐसा थॉट घुस जाता है, कहाँ कहाँ वो जो न्यूरॉन्स के जो एक दूसरे में जो प्लेक्सेसेस है, न्यूरोनल प्लेक्सेसेस, वो कैसे फिट हो जाते हैं और वहाँ थॉट प्रोसेस कैसे होती है, एक बहुत आश्चर्य की बात है। एक बार वो थॉट चालू हो गए, एक बार वो इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस, एक बार वो फायरिंग होना चालू हो गया, तो वही बार 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 फायर होते रहते हैं, वही थॉट लोगों को आते रहते हैं। अब ये जो थॉट है, ये थॉट उनको सच्चे लगते हैं, उनको लगता है कि ये मेरे विचार है, हालांकि मैं हरदम बोलता हूँ कि ये आपके विचार है नहीं, जो भी विचार आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक विचार है, आपने उसमें कोई विचार खुद ने लाया नहीं है, कुछ तो भी फायरिंग जो हो रहा है न्यूरॉन्स का, वो अभी फायरिंग उल्टा पुल्टा हो गया, उसमें वायरस घुस गया, अब वो थॉट आ रहे हैं, वो थॉट आपसे बात करते हैं, आप नहीं है वो थॉट आपसे बात कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू चल रहता है, वो ओसीडी रहा तभी वही है, IBS रहा तभी वही है, मतलब पेट का विकार रहा तभी हुई है, होमोसेक्सुअल रहा तभी हुई है, थॉट्स जो है और इमोशंस जो है वो उल्टे पुल्टे आते रहते हैं और तकलीफ देते रहते हैं। इसके लिए हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, सम्मोहन उपचार, जिसमें लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सम्मोहन उपचार में सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और एक अच्छा जीवन लोग जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।